सत्संग जी प्यार से कहना धन निरंकार जी महा सत्संग जी महापुरुषो दास ने पूर्व में संत गुरु बख्श सिंह राज कवि जी के जीवन परिचय को लेकर भाग एक रखा था। आज इस वीडियो के माध्यम से भाग दो आप जी के चरणों में रख रहा हूँ। किसी प्रकार की कोई गलती त्रुटि हो तो नादान बच्चा समझकर क्षमा करना जी। एक चुंबकीय व्यक्तित्व दाता सच्चे पाशा ने राज कवि जी को एक चुंबकीय शख्सियत प्रदान की थी। लंबा कद, पतला सुडोल शरीर, गोरा रंग और रूहानियत में डूबी हुई चाल आपको सभी से अलग करती है। आपकी साफ सुथरी सफेद पोशाक सोने पर सुहागे का काम करती। गरीबी के दिन रहे या अमीरी की बहार, आपकी पोशाक ऐसे होती जैसे अभी धोबी के यहाँ से धुल कर आई हो। गले में जो दुपट्टा सदगुरु ने बख्शा, आपने उसका सदैव सम्मान रखा। सत्संग में आते ही पहले दुपट्टा उतार कर तह लगा कर संभालना आपकी आदत थी। आप सदा कहते हैं गुरुमुख अंदर और बाहर से साफ सुथरे रहते हैं। जब भी कभी आपकी पोशाक की बात होती तो आप कहते हैं हम शहंशाह के पुत्र हैं, किसी भिखारी के नहीं। आप हर बात का नपा तुला जवाब देकर प्रश्नकर्ता को संतुष्ट करने में प्रवीण थे। एक अनथक प्रचारक। पंजाबी की एक कहावत है, लगी वाले कंधे नहीं सोंधे, अर्थात आशंकियों की नींद कहाँ आती है। यह कहावत राजकवि जी पर 100% सही प्रमाणित होती है। आप घर में हो, दुकान पर हो या किसी रिश्तेदार के घर, सुख दुख के समय गए हो या यात्रा कर रहे हो, अपने गुरु की बात करना आपका स्वभाव बन चुका था। सामने बैठा व्यक्ति आपकी बात को किस भावना से ले रहा है आपको इस बात की कदापि चिंता नहीं होती थी। आपकी लगन तो एक ही होती है कि उस व्यक्ति के कान में आवाज डाल दी जाए कि आज के युग में निरंकार साकार रूप धारण करके प्रकट हो चुका है। अपने जीवन के लक्ष्य को पाकर इसे सफल बनाने का इससे अच्छा अन्य कोई अवसर नहीं मिलने वाला। आपके शब्दों में पानी सा बहाव व विचारों में सागर की गहराई थी। आप पंजाबी, हिंदी, उर्दू, फारसी, सिंधी आदि कई भाषाएं जानते थे। आपकी जवानी का आरंभ पेशावर, जिसे फ्रंटियर का क्षेत्र भी कहते हैं, में हुआ। इस क्षेत्र में पठान कौम बहुत बड़ी संख्या में रहती थी। आपके स्वभाव में भी निर्भीकता स्पष्ट दिखाई देती थी। सच्ची बात कहने से आप कभी घबराते नहीं थे, चाहे उसके लिए कितनी बड़ी कीमत ही क्यों न चुकानी पड़े। एक प्रचारक के लिए आवश्यक होता है कि उसे लगभग हर प्रचलित धर्म की जानकारी हो, ताकि जैसा श्रोता सामने हो उसी के धर्म ग्रंथ में से उदाहरण देकर उसे समझाया जा सके कि मिशन कोई नया धर्म नहीं, बल्कि जो परमात्मा का ज्ञान पहले गुरु पीर पैगंबर ने दिया वही आज निरंकारी मिशन दे रहा है। आप देश के कोने कोने में दिन रात घूमते रहे और हर स्थान पर सैकड़ों नहीं हजारों लोग आपके प्रवचन सुनने को पहुंच जाते। आप अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए कई धर्म ग्रंथों व भक्तों की वाणियों से उदाहरण देते थे। आपका व्यक्तित्व एवं आपकी बात कहने का सलीका ढंग ही ऐसा था कि श्रोताओं की निगाह आपके चेहरे से हटती ही नहीं थी। मस्ती में झूम झूम कर अपने इष्ट की बात को दिल की गहराई से कहने के कारण लोगों पर आपकी वाणी का प्रभाव लंबे समय तक रहता और जहां भी आप सत्संग करने जाते दूर दूर से संगतें वहां पहुंच जाया करती। आपने पाकिस्तान से आकर अमृतसर में सत्संग कायम किया, चाहे इसके लिए आपको कितना ही विरोध सहन करना पड़ा। आपके अटूट प्रयास और शहंशाह जी के कई दिनों तक अमृतसर में रुककर संतों को निहाल करने के परिणाम स्वरूप अमृतसर की संगत दिन रात बढ़ने लगी। बाबा रामचंद्र जी कपूरथला वाले, जिन्हें गुरुमत का चलता फिरता विद्यालय कहा जाता था, का भी अमृतसर की संगत पर बहुत परोपकार रहा। वह भी अक्सर वहां जाते रहते और ज्ञानवान महापुरुषों को गुरुमत पर दृढ़ करते रहे। आपने सत्संग का आयोजन अपने घर से ही आरंभ किया, तब गिनती के महापुरुष ही थे जो मिल बैठकर हरि यश करते थे। जब कभी कोई महापुरुष बाहर से आपके पास आकर ठहरते तो आप सुखदेव बालक सुखदेव को गोद में लेकर रसोई घर में पति पत्नी बैठकर रात काट लेते और अपने एक कमरे में मकान का कमरा संतों के आराम के लिए खाली कर देते। धीरे धीरे संगतें बढ़ती गई। आपने सदगुरु का आदेश पाकर जनवरी 1961 में वहां निरंकारी सत्संग भवन का निर्माण किया। 1967 में
ब्रह्म ज्ञान प्रदान करने की आज्ञा प्राप्त होने के पश्चात तो इस सत्य की आवाज को जन जन तक पहुंचाना आपके जीवन का लक्ष्य ही बन गया। प्रचार के प्रति आपकी लगन इतनी प्रबल थी कि आपने पंजाब के अतिरिक्त भारत के अनेक प्रांतों में भ्रमण किया, लोगों को जीवन लक्ष्य समझाया व ज्ञानवान महापुरुषों की गुरु के हुक्म में रहकर गुरुमत भरा जीवन जीने की भावना को प्रबल किया। आप सदगुरु की आवाज को जन जन तक पहुंचाते समय स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, यह शिक्षा मेरे गुरु की है, मैं तो केवल लाउड स्पीकर हूँ जो गुरु की आवाज को आप तक पहुंचा रहा हूँ। आपकी लगन मेहनत और श्रद्धा रंग लाई। 1951 में अमृतसर में पहला प्रांतीय समागम रखा गया। पंजाब के कई नगरों से संत महापुरुष यहाँ पहुंचे। खुले मैदान में सत्संग चल रहा था, तभी कुछ जुनूनियों ने सत्संग में रुकावट डालने का प्रयास किया, परंतु महापुरुषों की गुरु भक्ति और गुरु पर अडिग विश्वास देखकर उन्हें खाली हाथ वहां से वापस लौटना पड़ा। सदगुरु की कृपा और गुरु शिखों के प्रयास से धीरे धीरे अमृतसर संगतों का मुख्यालय केंद्र बन गया। शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी, बाबू महादेव सिंह जी, निरंकारी मंडल के अन्य सदस्य व प्रचार आपके पास आते रहते। शहनशाह जी स्वयं यहाँ कई दिन तक रहकर वचनों की अमृत वर्षा करते और जिज्ञासियों को ब्रह्म ज्ञान प्रदान करके उनकी जन्मों जन्मों की प्यास बुझाते। राजकवि जी एक ऐसे प्रचारक थे जिनके लिए मिशन का प्रचार एक नशा एक जुनून था। दिन हो या रात, रेगिस्तान हो या पहाड़, बड़ा शहर हो या छोटा, सभी आपके प्रचार के केंद्र बने रहे। जवानी का जोश और गुरु व मिशन के प्रति इश्क आपको एक स्थान पर टिकने नहीं देते थे। राजकवि जी एक सुलझे हुए प्रवीण प्रचारक थे। आप जानते थे कि जब संगतें बढ़ जाती हैं तो कई स्वार्थी लोग भी संगत में आकर भोले भोले संतों को फुसलाकर अपने साथ जोड़ने के लिए आप सदैव अपने विचारों में कहते हैं, गुरु से जुड़ो, निरंकार से जुड़ो, साथ संगत से जुड़ो। किसी भी व्यक्ति विशेष से जुड़ने वाला कभी भी टपला खा सकता है और संगत व गुरु से दूर हो सकता है, इसलिए केवल निरंकार सदगुरु और साथ संगत से जुड़ो। एक वाक्य तो आपका तकिया कलाम बन चुका था, जितने मेरे पाशादेव बच्चे हो सिर्फ गुरु नाल जुड़ो जो पूर्ण है, इस प्रकार आप समझाते थे। दूर देशों में प्रचार। सदगुरु की असीम कृपा आप पर सदैव बनी रही। बाबा गुरुबचन सिंह जी ने 3 दिसंबर 1962 को मिशन की बागडोर संभालते ही प्रचार प्रसार को तीव्र गति प्रदान की। मिशन भारत के कोने कोने से लेकर दूर देशों तक फैलने लगा था। बाबा गुरुबचन सिंह जी ने 1967 में यूरोप की प्रथम यात्रा की। 1968 में शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी के साथ भाई साहब अमर सिंह जी पटियाला वाले और बहन भागी जी ने इंग्लैंड की कल्याण यात्रा की। 1969 में बाबा गुरुबचन सिंह जी ने एक गाड़ी द्वारा सड़क के रास्ते यूरोप की कल्याण यात्रा की। सदगुरु बाबा गुरुबचन सिंह जी व परम पूज्य राजा राज माता जी के साथ कल्याण यात्रा टोली में भी आप शामिल थे। बाबा जी की कल्याण यात्रा चल ही रही थी तभी भारत में शहनशाह जी की तबीयत कुछ बिगड़ ही गई। सूचना मिलते ही बाबा गुरुबचन सिंह जी व पूज्य राज माता जी वापिस दिल्ली आ गए और शेष यात्रा पूज्य ऋषि व्यास देव जी व आपको पूरी करने का आदेश दे आए। युवावस्था से लेकर जीवन के हर पग पर शहनशाह जी की रहनुमाई में रहने वाला यह गुरु सिख भला ऐसे समय में अपने सदगुरु के चरणों से दूर कैसे रह सकता था। परंतु गुरु का हुक्म भी आपके लिए बहुत बड़ा महत्व रखता था। आपने इंग्लैंड से टेलीफोन पर शहनशाह जी से आशीर्वाद लिया और प्रार्थना की कि हम जब भारत लौटे तो हमेशा की तरह शहनशाह जी हमारे सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दे। शहनशाह जी ने भी अपने परम भक्त की प्रार्थना स्वीकार की। जब यात्रा संपन्न करके वापस पहुंचे तो शहनशाह जी आपका इंतजार कर रहे थे। 17 सितंबर 1969 को शहनशाह जी ने नरेश्वर शरीर को त्याग कर दिया। आपने 1986 में निरंकारी राज माता कुलवंत कौर जी के साथ अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड व दुबई की यात्रा की। इस प्रकार टोली में राज माता जी के साथ आपकी धर्मपत्नी श्रीमती अमृत कौर जी व श्री गोपाल सिंह जी प्रेमी व उनकी धर्मपत्नी दमोदरी जी शामिल थे। 1994 में आपने श्री सुरेश कुमार तहिलानी जी को साथ लेकर मलेशिया, सिंगापुर, जापान, फिलीपींस, थाईलैंड, हांगकांग आदि देशों की यात्रा की। इसके पश्चात 2009 में आपने इंग्लैंड, अमेरिका एवं कनाडा आदि दूर देशों की यात्रा की। यह दूर देशों की आपकी अंतिम यात्रा थी।
इस प्रकार से यह भाग दो के रूप में दास आप जी के चरणों में रखा है। दास पुनः भाग तीन के माध्यम से जल्द ही आपके बीच में उपस्थित होगा। आशा है कि आप इस प्रकार के पुरातन इतिहास के माध्यम से हम सभी लाभान्वित होते हैं। दास अभी के लिए क्षमा प्रार्थी है। दास पुनः जल्दी से एक वीडियो के साथ आप जी के बीच में उपस्थित होगा। सात संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।